टॉपिक का नाम है एवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड वर्टिब्रेट्स, के हार्ट कैसे इवॉल्व हुआ वर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिनकी बैकबोन होती है, उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो उनमें हार्ट कैसे इवॉल्व हुआ, यानी कि कैसे फॉर्म होता चला गया। वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेस पढ़ी थी आपने, 9th में भी, फर्स्ट ईयर में भी है, चैप्टर नंबर 10 है किंगडम एनिमिलिया का, उसमें आप पढ़ेंगे क्लास स्पाइसेस है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, एब्स हैं और मैमल्स हैं। तो इनमें सबसे पहले जो फिशेज हैं, क्लास स्पाइसेस को जो बिलोंग करती हैं, इनके पास जो हार्ट होता है उसके दो चैम्बर होते हैं, एक को एट्रियम या ऑरेकल कहते हैं, एट्रियम या ऑरेकल कहते हैं। दूसरा जो चैम्बर है उसको वेंट्रिकल कहते हैं। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फिशेस के हार्ट में एट्रियम के अंदर या ऑरेकल के अंदर। जब ऑरेकल कॉन्ट्रैक्ट करता है या एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जाता है, उसके नीचे एक चैम्बर है दूसरा वेंट्रिकल में, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारा ब्लड जाता है फिशेस के गिल्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। जब उनके गिल्स में ऑक्सीजनेशन हो जाती है, यानी कि ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, उसमें ऑक्सीजन आ जाता है, तो ये ब्लड डायरेक्टली सप्लाई होता है टिश्यूज को। फिशेस में तो हार्ट इस तरह से काम करता है, यानी कि फिशेस के हार्ट के दो चैम्बर हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले चैम्बर का नाम है ऑरेकल, नीचे वाले चैम्बर का नाम है वेंट्रिकल, और दोनों चैम्बर्स में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके अलावा जो एम्फीबियंस हैं, जिसमें फ्रॉग्स वगैरह हैं, इनके हार्ट के 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं ऊपर और 1 नीचे वेंट्रिकल होता है। पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पहले राइट एट्रियम में, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड जाता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड जाता है हार्ट में, और आफ्टर ऑक्सीजनेशन ब्लड जाता है लंग्स में, और आफ्टर ऑक्सीजनेशन लंग्स से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल को देता है, और वेंट्रिकल सप्लाई करता है पूरी बॉडी को ब्लड। एम्फीबियंस में तो इस तरह से मैकेनिज्म हो रहा है। तभी हमने पढ़ा था ना, एम्फीबियंस में डबल सर्किट है और फिशेज में सिंगल सर्किट है। लेकिन एम्फीबियंस के हार्ट को अगर देखो तो 3 चैम्बर्स हैं इसके हार्ट में खाली, और उसका जो वेंट्रिकल है उसमें पार्टीशन नहीं है, हालांकि एट्रियम के दरमियान में पार्टीशन है, वेंट्रिकल के दरमियान में कोई पार्टीशन नहीं है। तो वेंट्रिकल के अंदर ये चांसेस होते हैं कि ब्लड मिक्स हो जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ एम्फीबियंस के हार्ट में, जिनके हार्ट के 3 चैम्बर्स हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स में अगर आप देखें तो रेप्टाइल्स का जो हार्ट है इसके अंदर 2 एट्रियम है ऊपर, और इनके पास भी बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिसमें वेंट्रिकल एक ही होता है, सिवाय क्रोकोडाइल के। क्रोकोडाइल के हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। तो इनमें भी जिनमें भी 3 चैम्बर्स होंगे उनमें तो सेम काम हो रहा होगा जो से पहले एम्फीबियन में मैंने बात करी थी आपसे। लेकिन जिसके हार्ट के 4 चैम्बर होंगे वो बर्ड्स और मैमल्स की तरह होगा उसका हार्ट, यानी कि 4 चैम्बर अलग अलग है, बीच में पार्टीशन है। पहले ब्लड आता है राइट एट्रियम में, फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर जाता है लंग्स के पास। आफ्टर ऑक्सीजनेशन आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सप्लाई होता है पूरी बॉडी को, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में भी, क्रोकोडाइल में जिसके हार्ट के 4 चैम्बर हैं, सारे एव्स में और सारे मैमल्स में इसी तरह ब्लड सप्लाई हो रहा होता है। तो इनके हार्ट के 4 चैम्बर हैं जिनमें बीच में पार्टीशन है, तो ब्लड मिक्स नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता कभी। और ब्लड 2 दफा आता है हार्ट में, पहली दफा डीऑक्सीजनेटेड, दूसरी दफा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस जिस तरह जानदार कॉम्प्लेक्स होते चले गए, ज्यादा उनमें सिस्टम डेवलप होते चले गए, साइज बढ़ता चला गया जानदारों का, उसी तरह हार्ट में भी डेवलपमेंट होती चली गई
और ज्यादा से ज्यादा हार्ट जो है वो चैम्बर रखने वाला स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। ये है एवोल्यूशन ऑफ हार्ट।